गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ओबली प्रेप्स। आप सभी का ओबली प्रेप्स में स्वागत है। माय नेम इज आकांक्षा सिन्हा और हम यहाँ पे करंट अफेयर सेशन करेंगे, जिसमें कि आज हम लोग देखेंगे कि 9 जून से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करंट अफेयर से बन सकते हैं, और इसके साथ में हम देखेंगे कि एग्जाम स्पेसिफिक क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिएगा, किसी भी क्वेरी के लिए आप हमसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का सेशन, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, वेयर वॉज गांधी साइकिल रैली फॉर पीस ऑर्गेनाइज रिसेंटली, यानी कि हाल ही में गांधी साइकिल रैली फॉर पीस जो है ये आयोजित की गई है, तो ये कहाँ पे आयोजित की गई है ये हमें बताना है। सो ऑप्शंस देख लेते क्या है। ऑप्शन ए है साउथ अफ्रीका, ऑप्शन बी है इंडिया, ऑप्शन सी है सऊदी अरेबिया या ऑप्शन डी है श्रीलंका। सो करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन सी सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया में अभी हाल ही में गांधी साइकिल रैली फॉर पीस जो है वो आयोजित की गई है, और इसके बारे में थोड़े से और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो ये जो रैली है ये ऑर्गेनाइज किया है इंडियन एम्बेसी इन सऊदी ने, यानी कि भारत की जो भारतीय दूतावास है सऊदी में उसने इसे आयोजित किया है, ये महात्मा गांधी की 150वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए। तो 150th बर्थ एनिवर्सरी को महात्मा गांधी की इसे चिन्हित करने के लिए वहां पे जो भारतीय दूतावास है जो सऊदी में है उसने ये ऑर्गेनाइज कराया है वहां के सऊदी अरेबिया के साथ मिलके, ठीक है। और ये जो रैली है इस रैली को सऊदी अरेबिया साम्राज्य के भारत के राजदूत जो कि डॉक्टर औसफ सईद हैं उन्होंने हरी झंडी दिखाई। तो इससे इसके साथ ही ये जो रैली है ये स्टार्ट हुई। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम लोग अपने पास रखेंगे, खास कर ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुई है ये हमें जरूर पता होना चाहिए, सऊदी अरेबिया में। तो ये नाम हम लोग जरूर याद रखेंगे कि किस कंट्री में ये रैली जो है ये ऑर्गेनाइज की गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये क्या क्वेश्चन कह रहा है कि हु इज लीडिंग द इंडियन डेलीगेशन फॉर द 2-डे G20 मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑन ट्रेड एंड डिजिटल इकोनॉमी। यानी क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि व्यापार और डिजिटल अर्थव्यवस्था पर 2 दिवसीय G20 मंत्री स्तरीय बैठक के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कौन कर रहा है। और ये मैं बता दूं कि ये जो मीटिंग है ये ऑलरेडी कल यानी कि 8 जून को ऑलरेडी ये स्टार्ट हो चुकी है। तो इसकी हमें बताना है इस क्वेश्चन में कि भारतीय प्रतिनिधिमंडल में इसका कौन नेतृत्व कर रहा है, इस व्यापार और डिजिटल अर्थव्यवस्था पर ये जो G20 की मीटिंग है। सो ऑप्शन देख लेते क्या है। ऑप्शन है ऑप्शन ए है अरुण जेटली, ऑप्शन बी है पीयूष गोयल, ऑप्शन सी है नरेंद्र मोदी या ऑप्शन डी है सुरेश प्रभु। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन बी पीयूष गोयल। तो पीयूष गोयल जो है वो व्यापार और डिजिटल अर्थव्यवस्था पर ये जो 2 दिवसीय G20 मंत्री स्तरीय बैठक है इसका भारतीय प्रतिनिधिमंडल की तरफ से ये नेतृत्व कर रहे हैं। तो ये पॉइंट हमें जरूर पता होना चाहिए। और ये जो मीटिंग है इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन बन सकता है जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या क्वेश्चन बन सकता है कि रिसेंटली द 2-डे G20 मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑन ट्रेड एंड डिजिटल इकोनॉमी स्टार्टेड इन, यानी कि ये क्वेश्चन भी आपके सामने आ सकता है कि हाल ही में व्यापार और डिजिटल अर्थव्यवस्था पर 2 दिवसीय G20 मंत्री स्तरीय बैठक शुरू हुई है, ये हमें बताना है कहाँ पर शुरू हुई है। तो जो रिसेंट मीटिंग्स रहेंगी, जो भी अभी हाल ही में, सारी मीटिंग्स आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी जो हाल ही में जो मीटिंग्स हुई होंगी, जो बड़ी बड़ी बैठकें हुई होंगी, उनकी लोकेशन भी आपको ज़रूर पता होना चाहिए। इसके ऑप्शन देख लेते क्या हैं। ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है चाइना, ऑप्शन सी है अमेरिका या ऑप्शन डी है इसराइल। सो करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन ए जापान, यानी कि जापान में। तो जापान के एक शहर शाबुआ वहां पे ये व्यापार और डिजिटल अर्थव्यवस्था पर ये 2 दिवसीय G20 मंत्री स्तरीय बैठक जो है वो शुरू हुई है। तो ये लोकेशन भी हम लोग याद रखेंगे, किस कंट्री में ऑर्गेनाइज हुआ, जापान, ठीक है, ये पॉइंट भी हम लोग याद रखेंगे। अब इसी मीटिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो ये जो G20 है, सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये G20 क्या है। G20 का फुल फॉर्म है ग्रुप ऑफ 20, ठीक है। तो ये जो ग्रुप ऑफ 20 ये है क्या, ये 19 देशों और यूरोपीय संघ की सरकारों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए एक ये अंतर्राष्ट्रीय मंच है, ठीक है। और ये स्थापित हुआ था सन 1999 में, और ये किस उद्देश्य के साथ ये स्थापित है ये पता होना चाहिए हमें। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने संबंधित नीति पर
चर्चा होती है, ठीक है, ये इसका उद्देश्य रहता है, ये हमें जरूर पता होना चाहिए। और ये पता होना चाहिए कि इस G20 के अंदर 19 देश और यूरोपीय संघ की सरकारें और केंद्रीय बैंक के गवर्नर इसमें शामिल हैं, तो ये पॉइंट हमें पता होना चाहिए। और G20 के मेंबर्स कौन कौन से देश हैं, इसकी लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें हमारा देश इंडिया भी है, ठीक है। तो यहाँ से आप ये लिस्ट पूरी देख सकते हैं कि इस G20 यानी ये ग्रुप ऑफ 20 के अंदर कौन कौन से देश इसमें आते हैं, ठीक है, ये यहाँ से आप देख सकते हैं अच्छे से। अब आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो देखते हैं क्या है। सो क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एन इलेक्टोरल ऑफिसर फॉर द BCCI's एनुअल जनरल मीटिंग। यानी क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि BCCI की वार्षिक आम बैठक के लिए किसे चुनावी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अभी हाल ही में इस बैठक ने एक चुनावी अधिकारी को नियुक्त किया है, तो ये कौन है इनमें से, ये हमें नाम बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं पहले क्या है। ऑप्शन ए है एन गोपाला स्वामी, ऑप्शन बी है नवीन चावला, ऑप्शन सी है सुनील अरोड़ा या ऑप्शन डी है ओम प्रकाश रावत। सो करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन ए एन गोपाला स्वामी। तो एन गोपाला स्वामी जो है उन्हें BCCI की वार्षिक आम बैठक के लिए चुनावी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये रिसेंट में जो भी हाल में जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हैं या जिन्हें भी हटाया गया उनकी पोजीशन से, ये भी हम अपने अपने दिमाग में जरूर रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। अब इनसे रिलेटेड है जो पॉइंट, हमने ये जो इन्फॉर्मेशन ली है, अब इनके बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कलेक्ट कर लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं इसके बारे में। तो ये क्या है, ये जो थे ये पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं। तो ये पहले ही मतलब कि बहुत सालों पहले ये मुख्य चुनाव आयुक्त भी रह चुके हैं एन गोपाला स्वामी। तो इन्हें BCCI की वार्षिक आम बैठक के लिए एक निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये याद रखेंगे कि ये पहले यानी पूर्व में ये मुख्य चुनाव आयुक्त भी रह चुके हैं, ठीक है। तो खासकर हमें इनका नाम जो है सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें इनका नाम जरूर पता होना चाहिए। इनका नाम क्या है, एन गोपाला स्वामी, ये हम लोग बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, डैश हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट प्रोजेक्ट टू रिसीव पावर फ्रॉम वेस्ट टू एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं फिर से बता दूं, तो ये क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि इनमें से क्या है जो कचरे से ऊर्जा प्राप्त करने वाली भारत की पहली परियोजना बन गई है। ये हमें इस परियोजना का नाम बताना है। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है LMRC यानी कि लखनऊ मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन, ऑप्शन बी है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, या ऑप्शन सी है भारतमाला, या ऑप्शन डी है DMRC यानी कि दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन। तो हमें इनमें से करेक्ट ऑप्शन बताना है कि इनमें से ये कौन सी परियोजना है जो कि कचरे से ऊर्जा प्राप्त करने वाली भारत की पहली परियोजना बन गई है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी DMRC। तो DMRC यानी कि दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन जो है उसने कचरे से ऊर्जा प्राप्त करने वाली ये भारत की पहली परियोजना बन गई है। तो ये पॉइंट भी हम लोग याद रखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इससे रिलेटेड, इससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो ये जो DMRC है इसका फुल फॉर्म हमें सबसे पहले जरूर पता होना चाहिए। तो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन जो है ये इसका फुल फॉर्म है। तो ये जो है DMRC जो है इसने गाजीपुर में स्थित 12 मेगावाट क्षमता के कचरे से ऊर्जा संयंत्र से 2 मेगावाट बिजली प्राप्त करना शुरू कर दिया है। तो इसी के अंतर्गत क्या हो गई है, ये कचरे से ऊर्जा प्राप्त करने वाली भारत की ये पहली परियोजना बन गई है, ठीक है। तो ये नाम भी याद रखेंगे, कहां से मिल रही है एनर्जी, से गाजीपुर से, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। सो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये एक क्वेश्चन जो है ये अवार्ड रिलेटेड एक क्वेश्चन है। तो प्रेस्टिजियस अवार्ड जो अभी हाल ही में जो भी बहुत ही महत्वपूर्ण जो अवार्ड्स जो दिए गए हैं, सम्मान दिए गए हैं, वो भी हमें जरूर पता होने चाहिए। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि नेम द मलयालम एक्टर हु हैज वॉन द JC Daniel अवार्ड रिसेंटली। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है कि हमें उस मलयालम अभिनेता का हमें नाम बताना है जिसने हाल ही में JC Daniel पुरस्कार जीता, हमें इनका नाम बताना है। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है गीतू मोहनदास, ऑप्शन बी है यामी गौतम, ऑप्शन सी है शारदा, या ऑप्शन डी है शीला JC। सो करेक्ट ऑप्शन मैं इसका बता दूं क्या है। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी शीला JC। तो शीला JC जो है इन्हें मलयालम अभिनेता, ये एक मलयालम अभिनेता जिन्हें कि अभी हाल ही में JC Daniel पुरस्कार जीता इन्होंने,
और इनसे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। और ये मैं बता दूं कि यहाँ पे जेसी डेनियल अवार्ड ये जो लिखा है, तो जेसी डेनियल के बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। तो जेसी डेनियल, इनका पूरा नाम है जेसी डेनियल नडार, ये जो है ये इंडियन फिल्म मेकर है, ये एक भारतीय फिल्म मेकर रहे हैं। और ये जो है ये जो मलयालम सिनेमा है उसके ये जनक के रूप से भी जाने जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है खासकर ये मलयालम सिनेमा के, तो ये हमें जरूर पता होना चाहिए, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो शीला जेसी है ये दूसरी ऐसी महिला बनी है जिन्हें कि ये अवार्ड मिला है, और इससे पहले ये पुरस्कार जो है ये मिला था अरनमुला पोनम्मा को, ठीक है, 2005 को। तो ये हमें जरूर पता होना चाहिए कि जो अवार्ड दिए जा रहे हैं, जो प्रेस्टीजियस, जो बहुत ही प्रेस्टीजियस है या बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडिया के, वो भी हमें जरूर पता होने चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं वो क्या है। सो क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। ये क्या क्वेश्चन कह रहा है, हमें इस क्वेश्चन में बताना है विच इंडियन सिटी टॉप्स इन ट्रैफिक इंडेक्स 2018। यानी हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है, हमें ट्रैफिक इंडेक्स 2018 में कौन सा भारतीय शहर सबसे ऊपर है ये हमें बताना है। यानी ट्रैफिक इंडेक्स 2018 जो है इसे जारी किया गया, इसमें कौन सा शहर जो है वो भारत का सबसे ऊपर है ये हमें बताना है। सो ऑप्शंस देख लेते क्या है। ऑप्शन ए है चेन्नई, ऑप्शन बी है कोलकाता, ऑप्शन सी है न्यू दिल्ली, या ऑप्शन डी है मुंबई। तो करेक्ट ऑप्शन मैं इसमें बता दूं तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी मुंबई, ठीक है। तो मुंबई जो है वो ट्रैफिक इंडेक्स 2018 में भारतीय शहरों में ये सबसे ऊपर ये रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी हमें पता होना चाहिए। कुछ रीसेंट जो इंडेक्स है, कुछ खासकर जो बहुत ही महत्वपूर्ण इंडेक्स है, ये भी इसमें भी हमें पता होना चाहिए, और खासकर हमारे देश के बारे में और हमारे देश के शहरों के बारे में उनकी रैंकिंग क्या है ये भी हमें जरूर पता होना चाहिए। तो ये जो ट्रैफिक इंडेक्स 2018 इसके बारे में आपको पहले थोड़ा सा बता दूं, तो ये जो ट्रैफिक इंडेक्स 2018 ये जो इंडेक्स है इसे कंपाइल, इसे बनाया है एक लोकेशन टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट टॉम ने, तो ये इनका नाम है जिन्होंने ये ट्रैफिक इंडेक्स 2018 ये बनाया है। इसके थ्रू इन्होंने कंजेशन लेवल के बारे में बताया, यानी कि सिटीज का क्या क्या कंजेशन लेवल है, कितना ज्यादा वहां पे कंजेशन है, कितना ज्यादा वहां पे भीड़ जो है वो जमी रहती है, ठीक है, इसके बारे में ये बताता है। और ये जो कंजेशन है, कंजेशन क्या होता है मैं आपको ये बता दूं, तो कंजेशन जो है ये एक एक्स्ट्रा टाइम होता है रोड ट्रैवल के अलावा, यानी कि जितना समय जो रोड पे यानी कि ट्रैवल करने के लिए लगता है उससे ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम, जो उससे ज्यादा टाइम होता है जहां पर ट्रैफिक जो है वो फ्रीली फ्लो ना कर रहा हो, उस टाइम को कहते हैं, उस चीज को क्या कहते हैं, कंजेशन। तो इस कंजेशन रेट में जो मुंबई है वो फर्स्ट रहा है इस ट्रैफिक इंडेक्स 2018 में, और इसका कंजेशन लेवल रहा है 65%, ठीक है। और न्यू दिल्ली जो है वो चौथे नंबर पे रहा है जिसका परसेंट रहा है 58%। और ये जो इंडेक्स बनाया गया ये एक अध्ययन के ऊपर बेस था, जिस अध्ययन के अंतर्गत कितने देश रहे हैं, इसके अंतर्गत 403 सिटीज रहे हैं जो कि 56 देशों की, यानी 56 देशों की 403 सिटीज जो है, 403 शहर जो है वो इस ट्रैफिक इंडेक्स के अंतर्गत हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट भी हमें पता होने चाहिए। कुछ रीसेंट जो रैंकिंग है ये भी हमें जरूर अपने दिमाग में रखनी चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। ये क्या क्वेश्चन कह रहा है, हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि नेम द ग्रैमी विनिंग म्यूजिशियन हु पास्ड अवे रिसेंटली। हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है, हमें एक ग्रैमी विनिंग संगीतकार का नाम बताना है जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। तो रीसेंट जो चीजें हैं ये भी हमें जरूर पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ग्रैमी जो है ये सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो ग्रैमी अवार्ड है ये म्यूजिक की फील्ड में ये अवार्ड जो है ये दिया जाता है, ठीक है। तो म्यूजिक की फील्ड में जो भी बहुत बड़ी उपलब्धियां रहती है उन्हें ये ग्रैमी अवार्ड मिलता है। तो उस ग्रैमी अवार्ड विनर, उस म्यूजिशियन का हमें नाम बताना है, उस संगीतकार का हमें नाम बताना है जिसका भी हाल ही में निधन हो गया। सो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है पीजे मॉर्टन, ऑप्शन बी है ब्रांडी कार्लिल, ऑप्शन सी है मैलकॉम जॉन रबिनैक, ऑप्शन डी है मैक मिलर। सो करेक्ट ऑप्शन मैं इसका आपको बता दूं क्या है, करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन सी, मैलकॉम जॉन रबिनैक। तो मैलकॉम जॉन रबिनैक जो है वो एक ग्रामी विनिंग संगीतकार रह चुके हैं जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। अब इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, थोड़े से महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं जो हमें जरूर, हमें जिसका आइडिया जरूर होना चाहिए। तो ये जो है इन्हें 6 बार, इन्हें 6 टाइम ये ग्रामी अवार्ड मिल चुका है मैलकॉम जॉन रबिनैक को, और ये प्रॉपरली इन्हें मशहूर है ये डॉक्टर जॉन के नाम से, और पॉपुलर नेम्स भी हमें जरूर अपने दिमाग में रखने चाहिए। तो ये पॉपुलर है, मशहूर है डॉक्टर जॉन के नाम से जिनकी अभी डेथ हो गई है,
ठीक है। और ये हमें खासकर इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमें इनका नाम जरूर पता होना चाहिए और इनकी ये जो उपलब्धि है कि इन्हें 6 बार, इन्हें 6 टाइम हम इन्हें ग्रामी अवार्ड मिल चुका है, ये भी हमें जरूर पता होना चाहिए। और इनका पॉपुलर नेम है, ये किस नाम से मशहूर है, ये भी हमें जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स जो है ये हम लोग अपने दिमाग में जरूर रखेंगे। और आज का करंट अफेयर सेशन हमारा यहीं तक था। और इस वीडियो का PDF आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका शुक्रिया। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। थैंक यू।